यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय एक। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लोहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। अध्याय दो। हे मेरे बालको, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। फिर मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूं, और ये तो उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अभी चमकने लगी है। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है,
जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहां जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। हे बालको, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हे पितरो, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर विजय पाई है। हे लड़को, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरो, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है जो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हे लड़को, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीही का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीही के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वो अनंत जीवन है। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है, झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। निदान हे बालको, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यदि तुम जानते हो कि वह धार्मिक है
तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। अध्याय 3। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हे बालको, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसकी नाई धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु के पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है? हे बालको, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं
वो हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। और उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वो इसमें और यह उसमें बना रहता है और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। अध्याय 4। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है। जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम
हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से पैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। अध्याय 5। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यही है वो जो पानी और लोहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वो ना केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लोहू के द्वारा आया था, और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है और गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा पानी और लोहू। तीनों एक ही बात पर सम्मत हैं। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर की प्रतीति नहीं की उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए
जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। और यह सभी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हे बालकों, अपने आप को मूरतों से बचाए रखो।